आज इतिहास में कुछ रहस्यों की तलाश में हम लोग नागपुर से 150 किलोमीटर दूर आ चुके हैं यवतमाल शहर में। एक समय था जब यहां से अचालपुर के लिए मुर्तजापुर के रास्ते शाकुंतला एक्सप्रेस चला करती थी। इस छोटी नहरों की ट्रेन का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1903 में किया गया था। भारत में कपास के उत्पादन में सबसे आगे है यवतमाल। यहां से निकले हुए कपास को मुर्तजापुर के रास्ते बड़ी लाइन के सहारे मुंबई तक पहुंचाया जाता था, जिसके आगे इंग्लैंड में इसे पहुंचाकर वहां के कपड़ा उद्योग को इससे मदद दी जाती थी। यवतमाल से अचालपुर तक 190 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ट्रेन में शुरुआती दिनों में जेडी क्लास का स्टीम लोकोमोटिव लगाया जाता था। 1921 में इस लोकोमोटिव को मैनचेस्टर में बनाया गया था। 1923 में ये अपनी सर्विस में आया और 1994 तक 70 साल इसने भारतीय रेलवे को सहयोग दिया। 1994 में डीजल लोकोमोटिव द्वारा इसे रिप्लेस कर दिया गया और तब से ट्रेन में ZDM क्लास का लोकोमोटिव 2016 तक लगाया जाने लगा। आज़ादी के बाद 1952 में जब भारतीय रेलवे का एकीकरण हुआ तब यह हिस्सा ब्रिटेन के पास ही रह गया। 2016 तक भारतीय रेलवे हर साल 1,20,00,000 रुपए तक ब्रिटेन सरकार को किराए के तौर पर देती आई है। आज भी ब्रिटेन सरकार द्वारा बिछाई गई पटरियों पे भारतीय रेलवे की शकुंतला एक्सप्रेस दौड़ रही थी। यहाँ पे यूज किए गए सिग्नल्स को 1895 में ब्रिटेन के लिवरपूल में बनाया गया था और ऐसा कहा जाता है कि इन पटरियों की मेंटेनेंस काफी लंबे समय तक नहीं की गई थी। यहाँ पे जो लोकोमोटिव थे वो अपनी मेंटेनेंस के लिए कुर्दवाड़ी जाया करते थे और जो डिब्बे हैं वो तो कुर्दवाड़ी मिराज वाली लाइन के यूज किए जाते थे। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार अपने पूरे रूट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की हुआ करती थी। कई पुलों और सकरे इलाकों में ट्रेन की रफ्तार को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक कर दिया जाता था। आज भी इस रूट के यात्रियों के मन में शकुंतला रेलवे ने अपनी गहरी छाप छोड़ी हुई है। रेलवे स्टेशन जितना ही खूबसूरत है उतनी ही यहाँ आपको शांति भी मिलेगी। पुरानी यादों को अगर ताजा करना है तो यहाँ पे आपको रेलवे का पुराना वेटिंग हॉल, पानी की टंकी जो कि स्टीम लोकोमोटिव्स के ज़माने से चली आ रही है, खूबसूरत और खुशहाल वातावरण जहाँ खेलते हुए बच्चे आपस में बात करते बुजुर्ग देखने को मिल जाएंगे। यवतमाल अपने कपास उत्पादन के साथ साथ नवरात्रि के त्यौहार के लिए भी मशहूर है। पश्चिम बंगाल के बाद भारत में सबसे भव्य तरीके से जहाँ दुर्गा माता की पूजा होती है वो जगह यवतमाल ही है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हमेशा कुछ नया ढूंढने की तलाश में मैं आज पहुंच चुका हूं यवतमाल शहर, जो कि नागपुर से लगभग 151 किलोमीटर दूर है। यहां पे एक छोटे से स्टेशन में हूं जिसका नाम है यवतमाल। एक समय था जब यवतमाल से अचालपुर होते हुए मुर्तजापुर के लिए नैरो गेज ट्रेन चला करती थी, जो कि अब नहीं चल रही है। इस ट्रेन को बंद हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और इसकी यादें आज भी यहाँ ट्रैक पर मौजूद हैं। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ तक पहुँचा जाए इससे पहले कि स्टेशन भी बंद हो जाए और यहाँ ब्रॉड गेज की लाइन आ जाए, ब्रॉड गेज का स्टेशन बन जाए और आपको यहाँ की कुछ यादों से ताज़ा कराऊँ जो स्टेशन को बहुत ही खूबसूरत बनाती थी। पीछे है मेरे छोटा सा बोर्ड यवतमाल का, यहाँ पे एक प्यारा सा पेड़ और सामने जो आप स्टेशन देख रहे हैं यही है यवतमाल का रेलवे स्टेशन, जो कि अब ट्रेनों का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ से खैर अब ट्रेनें तो नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेशन बहुत सारी यादों को अपने अंदर संजोए हुए है। ये जो पेड़ पौधे यहाँ पे उगे हैं इन्हें देख करके आप कह नहीं सकते हैं कि ट्रेन किस तरफ से आया करती थी। ये है यवतमाल का स्टेशन, बीच पे घनी झाड़ियाँ। चलिए दोनों तरफ से आपको दिखाता हूँ स्टेशन कैसा है, उसके बाद आप लोग को अंदाज़ा लगाना है कि ट्रेनें कहाँ से चला करती थी। आजकल ये स्थान केवल लोगों के शाम और सुबह में बैठने के काम आता है, एक दूसरे से बात करने के काम आता है। यहाँ की पटरियाँ कुछ और ही कहती हैं हमसे, इनका इंतज़ार है कि कब यात्री यहाँ वापस आएंगे। स्टेशन में चहल पहल होगी, हरियाली तो सबको पसंद आती है, लेकिन इस हरियाली के बीच से गुजरती हुई ट्रेनें कब यहाँ वापस से पहुँचेंगी और यात्री अपनी सीटें चुनने के लिए फिर से बेताब होंगे। स्टेशन में एक और खूबसूरत चीज़ मुझे ये मिली
ट्रेन नंबर 52131 डाउन मुर्तजापुर यवतमाल, यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन चला करती थी जो कि 11:40 तक यहाँ पहुँचती थी, और ट्रेन नंबर 52132 अप यवतमाल मुर्तजापुर पैसेंजर जो कि 12:10 यहाँ से चलती थी। एक ज़माना था जब ये वेटिंग हॉल खुला करता था दोस्तों, और आज ये वेटिंग हॉल पैसेंजर्स की वेटिंग में है। और कभी तो यहाँ जगह नहीं हुआ करती थी, और एक अब ये समय है जब यहाँ इतनी जगह है कि बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, पर यहाँ ट्रेनें नहीं हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के दूसरे छोर पर, जहाँ से अभी भी आप लोग नहीं पहचान सकते हैं कि ट्रेन किस तरफ से अपने ज़माने में चला करती थी। ये हमारे पीछे दूसरा हिस्सा स्टेशन का, यहाँ पे आज भी कुछ नहीं चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा वीराना पड़ा हुआ है, और इन्हीं खेतों के बीच से कभी ना कभी ट्रेन चला करती होगी। पर मैं आप लोग को बता दूं कि ये वो हिस्सा नहीं जहाँ ट्रेन चला करती थी, ट्रेन दूसरे हिस्से से चला करती थी, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन, ये मुर्तजापुर की ओर जाता था। और फिलहाल अब यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं है, यहाँ केवल ऐसे ही पानी भरा हुआ है, हरे भरे छोटे मोटे जंगल हैं, और ये रही गैंगमैन वगैरह के विश्राम का स्थल, उनके टूल्स रखने का स्थल, और ये है प्यारा सा यवतमाल स्टेशन। हो सका तो मुर्तजापुर रेलवे स्टेशन भी हम पहुँचेंगे, वो लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर दूर वो भी है, वहाँ पहुँच करके उसे भी कवर करेंगे, और वहाँ कुछ खास मिला तो ज़रूर आप लोग को दिखाएंगे। फिलहाल पीने के पानी की व्यवस्था भी यहाँ इस छोटे से स्टेशन में थी, देख के अच्छा लगा। चीज़ें रखने के लिए, लोगों के बैठने के लिए भी सुंदर सुंदर सीटें अवेलेबल हैं, हरा भरा स्टेशन है, बहुत ही अच्छा वातावरण है दोस्तों। कभी आप लोग को मौका मिले जब ब्रॉडगेज ट्रेनें चलें तो ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा फील होगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। काश मैं उस ट्रेन में यात्रा कर पाता। अगर आप लोगों ने यात्रा की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है वो। दोस्तों यहाँ से ट्रैक चेंजर भी इतना दूर है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जंगलों को पार करना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है अब रेलवे स्टेशन का। वैसे ज़रूरी भी है, जब बड़ी लाइन यहाँ पे आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यात्री तेज़ रफ्तार में अपनी यात्रा को पूरा कर सकेंगे, लेकिन रेलवे को जल्द ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 2 साल से कोई भी यहाँ पे जो काम है नहीं देखने को मिल रहा है। जो शकुंतला रेलवे है ये ब्रिटेन ज़माने से चल रही है, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, और ये एक प्राइवेट रेल हुआ करती थी, जो कि आज भी आज़ादी के इतने दिनों बाद तक भी ब्रिटेन सरकार द्वारा चलाई जा रही थी। हमारी भारतीय रेलवे ब्रिटेन सरकार को इसके लिए कुछ पैसे भी पे करती थी, जहाँ तक है कि मेरा अंदाज़ा है 1,20,00,000 रुपये सालाना इस ट्रेन को यहाँ चलाने के लिए भारतीय रेलवे पे कर रही थी। ये तो एक ग़ुलामी का ही संकेत है, लेकिन आज़ादी हमें मिल चुकी है। खैर, ट्रेन को भारतीय रेलवे में शामिल कर लेना चाहिए था बंद करने की बजाय, लेकिन एक और अच्छा निर्णय है, यहाँ पे जल्द ही शायद है कि हमें ब्रॉडगेज ट्रेन देखने को मिले, जो हमारी भारतीय रेलवे के अंदर होगी। दोस्तों तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे लोको पायलट साहब अपनी यात्रा के बाद विश्राम किया करते थे, ये है वो स्थान जहाँ पे अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जो क्रू होता है वो विश्राम करता था अपने अगले दिन की यात्रा के लिए। अब तो यहाँ पे हरी भरी घासें आ चुकी हैं, जंगल जैसा माहौल है, लेकिन जगह आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले हुआ करती थी। काश हम लोग उस यात्रा में हिस्सा बन पाते और इसके लास्ट रन पे यहाँ पहुँच पाते। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है यवतमाल का रेलवे स्टेशन दोस्तों, और ये अपने आसपास के बड़े शहरों से एक बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जल्द ही आपको फ्यूचर में रेल कनेक्टिविटी भी यहाँ देखने को मिलेगी। यवतमाल जितना मानसून में हरा भरा होता है, गर्मियों में उतनी ही झुलसती हुई गर्मी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इन यादों को लेकर हम लोग बढ़ चले मुर्तजापुर की ओर, जो कि यवतमाल से लगभग 113 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भी रेलवे के फाटक पटरियां आपको रोड के रास्ते में देखने को मिल जाएंगी, जहां केवल झाड़ियां बची हैं अब ट्रेन यहां नहीं चलती है।
रास्ते में आपको कई अवशेष भी देखने को मिलेंगे, जैसे फाटक, रेलवे के कई पुराने पुल जो कि आज भी याद दिलाते हैं कि शकुंतला रेलवे यहीं से चला करती थी। तो दोस्तों, शकुंतला रेलवे की रास्ते की तलाश करते करते हम लोग बढ़ रहे हैं मुर्तजापुर की ओर, और रास्ते में खूबसूरत सा झरना देखने को मिला है। ज़्यादा समय ना होने के कारण हम लोगों ने कैब कर ली थी, और रास्ते में खूबसूरत झरना देखने को मिला है जिसको देखने के लिए काफ़ी करीब जा रहे हैं। पर यहाँ पे झरना आने से पहले ये रास्ता आया है, देखते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे हम लोग। दोस्तों, कुछ चीज़ होती हैं जो हमारे एफर्ट्स के लिए वर्थ होती हैं, उन्हीं में से एक चीज़ है। हम बहुत दूर पैदल चल के आए, लेकिन जो यहाँ आके शांति मिली, जो अच्छा लग रहा है ना, वो आपको बता नहीं सकता। हम यात्रा के थके हुए थे और यहाँ आके जो सुकून मिला, मन कर रहा है इस पानी को मैं पी लूँ अपने हाथ से, लेकिन ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों नज़ारा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। रेल यात्रा के बीच में अपने सफर को पूरा करते हुए हम लोग फाइनली पहुंचे मुर्तजापुर जंक्शन। अब जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहां से ब्रॉडगेज लाइन भी मिल जाती है जो कि अकोला और नागपुर जैसे बड़े बड़े रूट्स को कवर करती है। रेलवे के पुराने कोचेस आपको आज भी मुर्तजापुर के यार्ड में देखने को मिल जाएगी, और यही रास्ता था जहाँ से अचलपुर और यवतमाल दोनों ही जगहों के लिए नैरोगेज की ट्रेन शुरू हुआ करती थी। ये है वो लोकोमोटिव रोटेटिंग टेबल जहाँ पे लोकोमोटिव के डायरेक्शन को बदला जाता था, और ये है वो शानदार और दमदार रेलवे के इंजन जो इस रूट पे अपनी बेहतरीन सेवाओं को दिया करते थे। मुर्तजापुर के शेड में ही इन लोकोमोटिव्स की देख रेख और मेंटेनेंस की जाती थी। आज भी यहाँ इनकी देख रेख तो की जाती है, लेकिन मेंटेनेंस अब नहीं की जा रही है। आने वाले समय में या तो ये लोकोमोटिव किसी अन्य देश को दे दिए जाएंगे, या तो इनके लोहे को पिघला करके नए कामों में यूज किया जाएगा। यहाँ पे आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी कि कब किस लोकोमोटिव ने अपनी यात्रा को भारतीय रेलवे के साथ शुरू किया। खैर, अब शकुंतला रेलवे तो हमारे मन की यादों में रह गई है, लेकिन आने वाले समय में जब ब्रॉडगेज ट्रेन अचलपुर से मुर्तजापुर होते हुए यवतमाल को पहुंचेगी, तो उस पहली यात्रा में मैं आप लोग को जरूर मिलूंगा। अगर आप लोगों ने कभी शकुंतला रेलवे में सफर किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अपनी जर्नी एक्सपीरियंस को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही और ढेर सारी जर्नीस लेकर के आता रहूंगा। जिन लोगों ने मेरी हिसार से गोरखपुर की यात्रा को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस रफ्तार भरे रेल सफर को देख सकते हैं जो कि मॉडर्न भारत की एक बेहतर निशानी है। मिलूंगा जल्दी ऐसी और आने वाली जर्नीस में, तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों, मैं एक नए सफर को शुरू कर रहा हूँ अब मुर्तजापुर जंक्शन से।